उन्होंने हमें मुश्किल से परमिशन दी है, मुश्किल से। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की साथ है, परमिशन ना दिया हो सकता। आवाज किसकी घुंघरू कर रहा है? घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? बैठ हमला भी कर देती है। हेलमेट है पिशाच वाली बैठ से क्या पिशाच? गाइस ऐसे में डर ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो गाइस इनके फैन तो इनके फैन है, बस वो मिले हैं इनको, बस वही कर रहे हैं। सो दोस्तों, आज हम कवर करने आए थे मुबारक मंडी पैलेस को। उसकी यहाँ पे एक लोक कथा भी है जो स्टोरी चल रही है। आइए उनसे जानते हैं, यहाँ के एक हमारे साथ लोकल से जुड़े हैं। सर अपना नाम बताएंगे आप? सर मेरा नाम प्रणव है। प्रणव, ठीक है। तो ये क्या स्टोरी है, इसके थोड़ा बताना। सर हमने भी अपने बुजुर्गों से ही सुना हुआ है कि जैसे राजा की शादी हुई थी तो रानी का जो दहेज आया था वो एक बहुत बड़ा ट्रंक था, अच्छा, जिसको कि 100 लोग लग के भी हिला नहीं सकते थे। अच्छा, तो वो 4 भूत थे जिन्होंने वो ट्रंक लाया था यहाँ पे। भूत थे? जी, उस अच्छा। टाइम तो भूत ही कहते थे उनको। हाँ। लेकिन वो किसी को तंग नहीं किया आज तक। हाँ। तीन को तो राजा जी ने कहीं आगे पीछे भेज दिया था। एक कह रहे थे कि मैं दहेज के साथ आया हूँ, मैं इधर ही रहूंगा। अच्छा फिर उनकी समाधि अंदर बना दी हुई है अच्छा उनकी राजा जी ने। समाधि है? हाँ जी, किस नाम से उनकी समाधि? रघु बाबा, अच्छा रघु बाबा जी कहते हैं उनको। तो कोई इंसिडेंट हुआ है आज तक? जैसे स्टार्टिंग में महल में काम लगा था, तो उससे भी पहले की बात है, जब राजाओं का जब खाना निकल बनता था, सबसे पहले बाबा जी की खाना निकलता था, बाबा जी का। फिर रसोईया भी चखता था कि इसमें नमक पूरा है या नहीं है। अच्छा। वो जब से यहाँ से सब राजा चले गए हैं, तो महलों में जब काम शुरू हुआ, लेबर ने जो सामान इधर का अंदर से मलबा बाहर निकालना, वो सुबह आके देखना फिर अंदर लगा हुआ। फिर ऐसी अच्छा कंप्लेंट उधर करण सिंह जी को पहुंची, अच्छा उन्होंने उधर दिल्ली में रघु बाबा जी का मंदिर बनाया, उनकी स्थापना करी। अच्छा फिर दिल्ली में बनाया? अच्छा, उनको वहां पे खाना निकलता है तो इधर महलों का काम शुरू हुआ। तब जाके चला गया। हाँ तो ये अभी अंदर जाके हम देख सकते हैं समाधि हाँ वगैरह जरूर सारा। यहाँ पर जरूर। कभी किसी और के साथ इंसिडेंट हुआ है? कोई यहाँ जान बूझ के कोई पंगे लेने आया, कोई जाए, हाँ, कुछ भी अंदर गलत करोगे तो पता नहीं चलता मारा किसने है। मतलब यहाँ कोई मरा है इस तक? आग लगी थी ये पूरे महलों को। हाँ ये आग तो लगी थी, स्टोरी हाँ सुनी थी, पर यहाँ कोई अगर आए या कोई ज्यादा जानबूझ के रात को पंगे ले तो हाँ कोई तो इंसिडेंट हुआ है? दिखता कोई नहीं लेकिन मार पड़ती है। मार पड़ती है? हाँ हाँ इधर थप्पड़ हाँ पड़ते हैं, थप्पड़ मैंने पड़ते हैं, सुना था। पड़ते हैं। और कहते हैं हॉर्स की आवाज, घोड़ों की आवाज आती है, ये ऐसा तो सब हमने अभी तक नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं, ये फिर झूठ है। कोई गलत काम करेगा तो उसको मार पड़ती है अंदर, अच्छा दिखता नहीं है किसने मारा। ऐसे रात को कई बार शूटिंग भी चलती है अंदर, लोग हाँ लेबर रह जरूर। रही है, सिक्योरिटी लगी है अंदर, सिक्योरिटी लगी है। वो एक कमरे में राजा जी ने कोई पालकी बनवाई हुई है, वो दरवाजे से 4 इंच बड़ी है, दरवाजे को भी नहीं तोड़ सकते, पालकी को भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए सिक्योरिटी लगी है अंदर। तो ये है मंदिर साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे मुबारक मंडी पैलेस में। यहाँ बाबा जी की मूर्ति भी है, 12 बजे से पहले खुला होता है, यहाँ आके आप दर्शन कर सकते हो। तो आगे काम देखते हैं। वैसे जिसने कहा कि यहाँ कोई उल्टे सीधे पंगे करता है या कुछ गलत काम करता है तो उनके लिए बाकी ये सेफ है। और यहाँ रात को शूटिंग वूटिंग्स भी होती हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने देखा है जम्मू में जितने गाने होते हैं उनमें शूटिंग जो होती है यहीं की होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। वैसे हमें कुछ डर नहीं है इतना, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि वो अब भगवान एज अ भगवान के रूप में है तो हमें कोई डर नहीं है। तो हम जाएंगे अंदर, थोड़ा देखेंगे कि और कहाँ चीजें हमने नहीं देखी हैं जो वो बता रहे हैं। तो चलो लेट्स गो, चलो चलते हैं। पहले हम थोड़ा सेवन ले लेते हैं। तो ये है वो मंदिर जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं चलते हैं मुबारक मंडी पैलेस की तरफ। तो पहले तो ये मेन है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ऐसे म्यूजियम में। हाँ यहाँ पे तो एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर चलते हैं। तो ये है बाहर से आप देख सकते हो लुक, ये है जम्मू की हेरिटेज और ये है मुबारक मंडी पैलेस। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ? अच्छा ये दरवाजा है, तो ये है दरवाजा एंट्रेंस का। इतना ये ऊपर है, इतना ही जमीन के अंदर भी है, अंडरग्राउंड भी है यहाँ पे। और जो आपने उधर फ्रंट वाली रोड देखी है उसके नीचे भी कमरे हैं। तो सामने वो तीन वाला है ना, सामने दिख रहा है ये जो येलो बिल्डिंग के साथ। हाँ येलो बिल्डिंग के साथ, येलो बिल्डिंग के साथ ही वो थोड़ा सा छोटी सी दीवार है, उसके अंदर रास्ता है नीचे जाने का। अच्छा नीचे जाने का, अंडरग्राउंड है पूरा। नीचे वाले कमरे में सबसे पहला आर्मी हेडक्वार्टर वो सामने है। बाकी ये था ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस के दरबार लगते थे। ठीक है, अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये देख सकते हो एंट्रेंस। कंस्ट्रक्शन लगी है, गाइस कंस्ट्रक्शन तो है पर यहाँ पर इतना ठंडा क्यों है? बारिश हुई आज और फिर यहाँ से पानी टपका, मेरी जान निकल गई। ऊपर देख सकते हो पानी टपक रहा है। गाइस यहाँ तो ऊपर सीढ़ियां है, रास्ता है यहाँ। हाँ
यहाँ से रास्ता है, ये सीढ़ियाँ भाई यहाँ बहुत पुरानी लकड़ियों की सीढ़ियाँ। यहाँ से जाना है क्या? नहीं ये तो ऊपर का रास्ता, ऊपर जाना है, ऊपर ये करना है ऊपर अभी नहीं जाना हमें। सो गाइस हमने ना ज्यादा वो क्या है ऊपर से, ये तो आपने कवर किए ये वाला हिस्सा जो वो कहते हैं कि। तो गाइस अब हमें ना उन्होंने कहा दो महलों के आगे जाके वो समाधि जो है ना वो आती है, वहां जाना है जाएंगे। वैसे वहाँ कुछ भी नहीं है, कहते हैं कि ये स्टोरी उन्होंने बताई है कि यहाँ जब कंस्ट्रक्शन ये पूरी आग लगी हुई है। देखो ये पूरे ही जब यहाँ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ना तभी पूरा जला था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पहले यहाँ पर वो करते हैं जो बाबा क्या नाम है उनका, बाबा रघु जी हैं, उनकी जब तक उन्हें भोग नहीं लगाया जाता था यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ भी शुरू नहीं होता था। व्यू दिखता है पूरी सिटी का और ये देखो अभी तो ऊपर का भी दिखेगा तरीके से है। आओ। अभी तो ये सब एक हिस्सा महल का, यहाँ पर कितने महल है टोटल, 4 या 5 महल है, काफी है और अंडरग्राउंड भी काफी ज्यादा यहाँ पे वो है। हवा महल, हवा देखो कितनी सी चल रही है। से हवा महल कौन सा है? हवा महल तो देखना पड़ेगा, देखिए अब लिखा होगा उन्होंने बाहर लिखा होगा अलग अलग, ये तो कॉमन है कि हाँ सबने देखा हुआ है। अब हम जाएंगे वो देखो सामने, पहले व्यू दिखाते हैं इनको यहाँ से, पूरी ओल्ड जम्मू सिटी का व्यू दिखता है यहाँ से। ये देखो ऐसी दीवारें हो चुकी हैं यहाँ पे और वाह व्यू देखो यार जम्मू सिटी का। तो ये देखो यहाँ से यार व्यू दिख रहा है जो, आ जाओ आगे आ जाओ यार, व्यू देखो कितना पूरी सिटी और यहाँ भी पार्क है नीचे। हाँ यहाँ नीचे मैं गई तो थी कल, और सामने तभी दिख रहा है पूरा और पूरी जम्मू सिटी का व्यू दिखता है। वो देखो सामने पूरी जम्मू सिटी कितनी सुंदर दिख रही है यहाँ से, तो ये आप यहाँ आके देख सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं अंदर भी दिखाते हैं आपको, अब हम एक्सप्लोर करेंगे अंदर की स्टोरीज। तो अब हम जा रहे हैं अलग दूसरी सेक्शन में, यहाँ पे इतना है नहीं जितना हमने प्रिटेंड कर दिया हुआ है। एक उधर भी है नीचे सीढ़ियाँ पता तुमको, उस साइड वहाँ भी पूरा चैम्बर है, उस साइड यही हो नीचे, हाँ गोल वाला घर है। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में है वैसे डरने की कोई बात नहीं है, जो वो से कह रहे थे यहाँ कोई बात नहीं है। वंशिका को वैसे भी डर लगता नहीं है, वो तो रिस्क लेती है, ग्रेट एविल है ग्रुप की। और देखो ये देखो ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोहे के गार्ड है। ये है यहाँ पे। सो गाइस उन्होंने हमें जहाँ कहा है ये देखो वो महल अंदर से बड़ा सुंदर है, नहीं जिन्होंने कहा है वो महल इस साइड है ना, हाँ आगे है और आगे। तो लेट्स गो फिर। वो देखो ऊपर बंदर भी है फिर? क्या बोल रही हो? मैंने कहा अगर सोचो ये तीन भी वहीं पर हुआ, उन्होंने कहा चार थे जो महारानी के साथ आए थे, एक तो जी है जिनकी समाधि में नहीं है, तो जो तीन भी अगर जो उन्होंने उड़ाए थे अगर वो वापस इधर ही को आए फिर आवाज किसकी है क्या पता, वो है सामने महारानी चाड़का का महल। ये देखो गाइस यहाँ से तो जाने का रास्ता नहीं है, पर हमने वहाँ पर मतलब कुछ बच्चों ने यहाँ सुरंग बनाई हुई है जो मुझे पता है। बच्चों ने सुरंग बनाई है मतलब लाइक यही कोई स्कूल के बच्चे थे ना, वहाँ सुरंग है, यहाँ से रास्ता आप ऊपर तक जा। सुरंग क्यों बनाई? जाने के लिए ऐसे ताले लगाए हैं ना, ये खुला बंद है, ताला लगाया, ताला लगा देखना है। इसके अंदर लिफ्ट भी है पता तुमको? पता है, यही तो नहीं है इस साइड पे, तो गाइस इस साइड पे है तो इधर मैं रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि हाँ मैंने इंसिडेंट थोड़ा वो किया हुआ। इंसिडेंट था यार कुछ, बाद में शेयर करूंगी अभी अंदर नहीं कर सकती ना। सो गाइस यहाँ पे बच्चे भी हैं गाइस, तो डरने की जरूरत नहीं है, असली वाले हाँ किसी के नहीं। तो गाइस यहाँ तो ताला लगा हुआ है तो यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ देखो गाइस यहाँ से चोरी, यहाँ पता नहीं क्या, यहाँ तो खंडर है, ये तो मलबा गिरा हुआ है। तो गाइस ये ताला लगा था, ये इसकी स्टोरी ये थी कि मैं एक ताला तोड़ा भी था किसी ने, बट जैसे हमने उनकी बात सुनी है हम किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई इतनी बुरी चीज है नहीं, अगर आप कुछ गलत करते हो तो आई गेस आपको कुछ फील हो। आर्किटेक्चर देखो कितना सही है यहाँ का, आर्किटेक्चर देखो कि निसे से डिजाइन बने हुए हैं, और देखो कैसे निकल रहे हैं। ये होता है शौक हमारे, अब फोन भी पकड़ लो वहां से मैं भी निकलूं। बहुत रिस्की काम है बेटू। ओहो
गाइस मैं आ रहा हूँ, मेरे पे कैमरा नहीं मार रही है। ये देखो हमने कहाँ फंसा दिया है, ये कहाँ कहाँ लेके आ रही है, क्योंकि हमारा ना ड्राया नहीं है ना ब्लॉग के लिए। देखो कैसे कैसे जाना पड़ता है, ये कहाँ कहाँ गुफाओं में है। ये भी होता है, आराम से किसको कहते हैं, इट्टे गिर रही है, बताओ इधर। तो कर रहे हैं घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है, लोग हैं यहाँ पे। ओ यही रह गया था भाई साहब, ये देखो यहाँ है, यहाँ है बंदर आए। कौन है बंदर? बंदर नहीं गाइस, अभी अभी हमें लगा कोई है वहां पर ना, दरवाजा अंदर से टूटा और नीचे कपड़ा हिल रहा है बार बार। मैं चल, हम मजाक कर रहे थे, हम किसी को नहीं देखना है। और मैं शिवा कह रही थी जो एक्चुअली मंदिर है ना उनका, तो मैं उनको कह रही थी अपने दर्शन दे दो, मैंने यहाँ नहीं देना, हम खुद दर्शन कर रहे हैं, आप क्या आ जाएंगे खुद ही। तो गाइस अभी हम इसी दरवाजा हिल रहा था, चलो अब हम वहां चलते हैं, दरवाजा अब हम वहां चलते हैं। ये देखो क्या ऊपर कहाँ चली, आओ ना। तो गाइस सीढ़ियां चल, ठीक है हाँ हाँ, ये देखो गाइस सीढ़ियों की हालत। अभी हम ले जाएंगे महल के टॉप पे, आओ यहाँ पर टूट चुका है, ये दिखा देती हूँ आपको, सारा टूटा हुआ है यहाँ तो, ये महल टूट गया हुआ है, यहाँ तो छत भी टूट गया सारा। हाँ यहाँ जा रही हो जड़ियों में, सांप सूंप आएंगे यहाँ पे, टॉप डरा रही है, मुझे सांप से डर लगता है। सांपों के बीच जंगलों में जा रही, नहीं नहीं वो कहते हैं ना सांपों से नहीं डर लगता साहिब, भूत से लगता है। नीचे वाला सेक्शन देखना, इधर भी और आगे भी एक महल है ना, महल के अंदर बड़े सारे पार्ट्स हैं, बहुत अंडरग्राउंड भी बड़ा ज्यादा है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। हाँ एक सौ, हमें इन्होंने एक ये चीज भी बताई है कि जितना महल आपको दिख रहा है ना, जितना ऊपर इक्वल से है ना उतना ही इसके नीचे है महल। वो देखो सामने, तो जितना भी मतलब लाइक आपको दिख रहा होगा ना ऊपर से जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा इसके नीचे है। अंडरग्राउंड भी बड़े ज्यादा कंपार्टमेंट है, काफी अंडरग्राउंड काफी ज्यादा नहीं सारे ही हैं। तो अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ओए भाई मेरे साथ ही क्यों सारी चीजों को आना है, मतलब पहले वो दीदी की साड़ी अचानक से आई, पहले इसके साथ साड़ी ना, तो मैं शाहरुख खान हूँ जिनकी साड़ी आ रही है साथ में ना, कुछ फिर भी हो रहा है, चुन्नी उड़ के आई थी तो उसके ऊपर, और अभी पाँव में, ओ देखो अभी चले जा रहा है, अभी भी आ रहा है, हाँ लकड़ी का बीच कंपार्टमेंट भी है यहाँ पे, तो यहाँ पर आया वैसे उन्होंने हमें मुश्किल से परमिशन दी है, मुश्किल से उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की साथ है परमिशन ना दिया ऐसा हो सकता कसम से उन्होंने बाहर वालों को नहीं दिया है, ठीक है आपको मेरी वजह से परमिशन मिली है, वो सही बात है। तो गाइस ये रिश्ता है यहाँ पर, उस दिन शूट का शूटिंग हो रही थी भाई, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी। ये देखो ये भी यहाँ पे सेक्शन है, ये भी यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ आपको बंदरों की आवाज ही आएगी गाइस, वाओ वो देखो ऊपर बिल्डिंग पुरानी है, रिस्की होता है यहाँ पे, इसलिए अपने रिस्क पे आता है, और आप ऐसे यहाँ आके देख सकते हो, आवाजें सुनाई दे रही है आपको, देखो ये देखो यहाँ से आपको जम्मू फिर भी दिख जाता है, ऐसे पक्का महाराजा महाराजा जो होते है ना। ये देखो ये सेक्शन है सारी, ये बिल्डिंग है ऊपर, और ये देखो यहाँ से बाहर से पूरी जम्मू सिटी का व्यू दिखता है, और शायद महाराजा महाराजा ऐसे आते होंगे ना, दिखते होंगे। चलो आगे का दिखा दे इनको जल्दी से, फिर चलते हैं। हाँ क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे सीढ़ियाँ थी लाइक घूमने वाली सीढ़ियाँ थी क्या, जल्दी आओ ऊपर से कुछ गिरेगा, ये यहाँ पे रिस्की है वैसे काम बारिश में, ये देखो ऊपर कैसा है, यहाँ देखो आवाजें आ रही होती है, यहाँ पर बंदर आएंगे, बंदर नहीं है ये चमगादड़ है, हाँ? बैट्स हैं, बैट्स हमला भी कर देती हैं, हेलमेट है, पिशाच वाली बैट्स हैं, क्या पिशाच गाइस, ऐसे में डर ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बड़ी ज्यादा है, ये क्या नीचे क्या है, देखने इधर आना, नीचे आ रही हो, ऊंटा नीचे आ रही है, नीचे जल्दी निकलो यहाँ से, हमें देख के ना आ जाएंगे, हमें डर भी लग रहा है, यहाँ से तो नीचे सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से ये सारा सेक्शन आप देख सकते हो भाई, इधर से आपको ये दिखा देते हैं, ये भी है,
चलना भी मुश्किल है यहाँ पे। आगे मत जा भाई, ये इसका कोई पता नहीं है, भरोसा निकल जाए। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ टूटने वाली हैं सारी। हाँ, जाने का रास्ता तो है पर हमें चमगादड़ों का डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। जो बैट्स होते हैं ना यहाँ से बहुत ज़्यादा है, भी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये हम देख सकते हो यहाँ नीचे वो है, फाइनल सेक्शन में आ चुके हैं। ये देखो अभी ये सारा गिरा हुआ है यहाँ पे, पूरा का पूरा गिरा है। यहाँ अभी सीढ़ी है और वो है, ऐसे जो दे रहा है हमें नहीं दिख रहा, पर फोन में दिख रहा है। मैं टॉर्च करके दिखाता हूं। नहीं, फोन में दिख रहा है, फोन में दिख रहा है ना। हाँ, फोन अपने आप ही लाइट कर रहा है। गाइस यहाँ पर ऐसे राजाओं की तरह बनी है वो, मैं क्या होती है सीढ़ियाँ होती है। ये देखो तो ये फाइनली हम आ चुके हैं, ये है फाइनल सेक्शन। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये पत्थर गिर रहे हैं क्या? वो देखो पीछे हम सीढ़ियाँ उतर के आए हैं और बिल्डिंग देख रही है। वो है साइड में व्यू दिखाते हैं इसका, ये देखो भाई साहब ये है अंदर का सेक्शन। और इसके आगे और भी कमरे हैं, और भी सेक्शन है, मतलब एंड नहीं है कोई भी इस फोर्ट का। ये पत्थर कहाँ से आ रहा है? पत्थर गिरा कहीं से? आफ कर रहे हो? पत्थर पत्थर गिर रहे हैं कहीं पे? आफ कर रहे हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं फोन पकड़ा हुआ हाथ में हंस रहे हो यार आप? झूठे? मैं नहीं हंस रहा हूँ यार, झूठ बोल रहे हो। नहीं यार, झूठ बोल रहे हो। पत्थर पत्थर गिर रहे होंगे, ऊपर से बारिश पड़ी है, आई गेस गिर सकते हैं। ये देखो ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसी है। चलो अब चलते हैं यहाँ से जल्दी बाहर। वो चमगादड़े भी बड़ा आवाज कर रही है, बोल रही है। हमारे पास हेलमेट है पर हमें पहनते टाइम लगेगा। हाँ तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर, बारिश भी है और थोड़ा बहुत जो था कैसे है ना, जो ओपन था लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, वो हमने आपको दिखाया। ये देखना यार ऐसे लग रहा है कोई निकलेगा यहाँ से। अब वंशी का पीछे फोन पकड़ा हुआ है और मैं चल रहा हूँ आगे आगे, बाहर का रास्ता आपको दिखा रहे हैं। और आवाजें अभी भी आ रही हैं उनकी, अभी भी काफी ज्यादा आ रही है, और जो हम आ रहे थे अभी आ रही है, इसलिए हमें डर लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है ऊपर ही आ जाएंगे, अब यहाँ जा नहीं सकते आपको दिखाने। आवाजों पे है क्या? बैट सी लग रही है, झुक के जाना। कमेंट्स में बताना अगर आपको कुछ और आवाज लगे। सही बात है यार, ये हम एडिटिंग में पता चलेगा। ये भी है, ये नीचे खाली है गाइस, ये देखो ये सारा खाली है नीचे से। ये ऊपर से सब टूटता हुआ गिर रहा है, टूट रहा आ जाओ। बारिश में रिस्की है, अभी तो बारिश वैसे रुक गई है। गाइस अब रुक गई, हम फोटो शूट ही करेंगे क्योंकि हम इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप जानबूझ के पंगे लोगे ना तो रिस्क हो सकता है। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। चलो आपको हमारी वीडियो के जरिए पता तो चल गया ना कि असली स्टोरी क्या है, कि यहाँ कोई इतने भूत भी नहीं है जितने आपने कह दिए। नहीं ऐसे रास्ता है, एक छोटी सी सुरंग है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है पूरा। सो गाइस जैसे कि हमें जितना था ना बहुत मुश्किल से कवर कर पाए हैं। तो कह रहे हैं किस दिन आना है, वो कह रहे थे कि वो होगा 12 बजे। क्या पूछो था? हाँ तो गाइस हम वो करेंगे। आपने कमेंट करना है कि हम यहाँ रिस्की से काम लेके वहाँ समाधि के पास जाएंगे, चाहे परमिशन लेके जाएंगे, और वहाँ पर कहते हैं ना भोग लगे जो उनकी मूर्ति है वहाँ भी जाएंगे। बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, जो लोग कहते हैं ना यहाँ कंस्ट्रक्शन वाले सारे रहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं रहता है, यहाँ सारे चले जाते हैं। कौन है? चलो तो गाइस यहाँ जो ये ऊपर आप सब लोग कहते हैं ना यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ कोई भूत नहीं है, तो यहाँ रहता कोई भी नहीं है। यहाँ हर कोई जब 7 के 7 बजते हैं ना, ये पीछे दिखा देना इन सबको, 7 बजे यहाँ से सब निकल जाते हैं, सब यहाँ कल्टी मार लेते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 गार्ड्स होते हैं जिन जो अभी आए नहीं है, वरना मैं उनसे पूछती पूरा इंसिडेंट क्या था क्या नहीं, उनको क्या कभी फील हुआ है कुछ भी नहीं। बाकी वो किसी को हार्म नहीं करते हैं, जैसे कि है ना कहा पंडित जी है, वो हार्म नहीं करते किसी को, उसे चपेड़े तो... पड़ती हैं चपेड़े। कसम से मजाक कर रही हूँ मैं, सही में चपेड़े चलती हैं ऐसे करती। चलो फिर आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी आज हो पाया कवर हमने किया, इसी के साथ करते हैं, बाय बाय, मिलेंगे। नहीं, मैं ब्लॉग एंड करूंगा, बाय बाय।